हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतनाज लाइफस्टाइल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ में लैकमे 9 to 5 सीसी क्रीम का रिव्यू और डेमो लेकर के आई हूं। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, इसे लगाने से पहले मैं पहले अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ गुड वाइब्स की सेफ्रॉन नरिशिंग डे क्रीम, ये इस तरह से है। एंड इसे मैं सबसे पहले एज अ मॉइस्चराइजर लगाने वाली हूँ। और अभी सर्दियाँ हैं तो आपको अच्छे से मॉइस्चराइज अपनी स्किन करनी होगी। और सर्दियाँ भी नहीं होना तो भी कोई भी मेकअप अप्लाई करने से पहले हमें हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करना पड़ता है, तभी वो एक इवन सी फिनिश हमारी स्किन में आएगी मेकअप की। और यहाँ पर मैंने अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है। और मॉइस्चराइज करने के बाद में अब मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाली हूँ प्राइमर। और यहाँ पर मैंने NYB का प्राइमर लिया है। एंड अब मैं इसे इतनी ही लूँगी। और ये मैंने जहाँ जहाँ पर स्वेट आपको ज़्यादा आता है वहाँ वहाँ पर आप इसे अप्लाई कर लीजिए। और तो यहाँ पर प्राइमर भी मैंने अप्लाई कर लिया है। और अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ लैकमे 9 to 5 सीसी कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम। और इसमें मेरा शेड है बेज। और ये ऑल इन वन इंस्टेंट स्किन स्टाइलिस्ट SPF 30 PA++ के साथ में ये आती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें SPF भी आपको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं धूप से भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगी। और इसकी जो क्वांटिटी है वो 30 ग्राम क्वांटिटी है। और इसका प्राइस इस पर मेंशन नहीं है, तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप इसे वहां से परचेज कर सकते हैं और इसके बारे में आप वहां से ज़्यादा डिटेल जान सकते हैं। और इसके अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट मेंशन नहीं किए हुए हैं, तो मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगी। तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से इसे देख सकते हैं। तो इसमें मेरा शेड है बेज और मैं इसे अप्लाई करने वाली हूँ। और ये डे टाइम के लिए बहुत परफेक्ट है, अच्छा कवरेज दे देती है। और ये इतनी मैंने ले ली है और जस्ट मैं इसे डैब डैब करके लगाने वाली हूँ। सबसे पहले अंडर आई एरिया, और आप इसे हाथ से भी अच्छे से लगा सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं इसका कवरेज, इसने ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा कवरेज दे दिया है स्किन पर। और अगर आप आपके डार्क सर्कल्स ज़्यादा हैं तो आप इसका डबल कोट भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और मैं आपको डबल कोट आई अंडर आई एरिया पर लगा करके भी अभी दिखाने वाली हूँ कि इसका जो कवरेज है वो डबल कोट लगाने के बाद में कितना हो जाता है। तो ये मैंने
थोड़ा सा और ले लिया है और अंडर आई एरिया पर मैं इसकी एक और लेयर लगाने वाली हूँ। तो इसका डबल कोट जो मैंने इस्तेमाल किया है वो उसमें भी काफ़ी अच्छा एक लुक आया है और काफ़ी हद तक इसने कवरेज दिया है डबल कोट लगाने के बाद में। तो अगर आपको इससे ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप इसके दो कोट लगा सकते हैं और डे टाइम के लिए आप इसका वन ही कोट लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डे टाइम में लाइट की वजह से ये बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पर एक अलग सा इफ़ेक्ट आपकी स्किन को देगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और आप जब भी इसे ख़रीदें तो आप अपनी स्किन के शेड के अकॉर्डिंग ही इसे ख़रीदें, क्योंकि अगर एक भी टोन अगर ऊपर नीचे होता है इसका तो वो एक अलग सी फिनिश देता है हमारी स्किन में, हमारे फेस पर, और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि इसका जो कवरेज है वो काफ़ी अच्छा है, डे टाइम के मेकअप के लिए काफ़ी अच्छा एक ये क्रीम लगा मुझे, और आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं और ये काफ़ी एक अच्छा कवरेज देने वाली और अफोर्डेबल क्रीम है। क्रीम कह लीजिए या फाउंडेशन कह लीजिए, इसे आप एवरीडे इस्तेमाल कर सकते हैं, एवरीडे क्रीम में ये आती है और ये काफ़ी लाइट वेट भी है तो आप इसे डेली में लगा सकते हैं। और आपको लैक्मे 9 to 5 सीसी कॉम्प्लेक्शन केयर क्रीम का रिव्यू और डेमो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और आप डेफिनेटली इस क्रीम को परचेज़ कर सकते हैं और इस क्रीम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी तो आप वहाँ से इसे परचेज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल